अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी ने छोटे बच्चों को मार दिया, काट दिया, उन्हें पकाकर खा लिया, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे वो राक्षस है, जानवर है, इंसान नहीं है और पता नहीं क्या क्या। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा और आज जिस केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था और ये केस है निठारी केस। 2006 जनवरी, दिल्ली के पास नोएडा में एक जगह है निठारी। पहले तो वो लोग उस जगह को इतना नहीं जानते थे, वहीं के आसपास के लोग जानते थे, मगर अब इस जगह को ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर भी बहुत लोग जानने लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रूटल किलिंग का केस है जिसने सबको हिला कर रख दिया। मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले इस तरह की किलिंग के बारे में न सुना था, न पढ़ा था, न समझा था, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसने हर एक को हिला दिया। जनवरी 2006 में कुछ बच्चे निठारी में गायब होने लगे। ये वो इलाका था जहाँ पर मज़दूर और कुछ इस तरह के लोग ज़्यादा रहा करते थे और उन्हीं के बच्चे गायब हो रहे थे। उसमें से सारे तो नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी मिसिंग की। पुलिस ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि इस तरह की चीज़ें, घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, बच्चे जाते हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने भी उन पेरेंट्स को यही कह के लौटा दिया कि घर जाइए, आपका बच्चा भी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। कुछ पेरेंट्स चले भी गए, उन्होंने फॉलोअप भी नहीं लिया और पुलिस सोची हो गया होगा, मिल गए होंगे, इतना सीरियस किसी ने नहीं लिया मामला। देखते देखते मई आ गया। मई में एक लड़की थी पायल, जो उन बच्चों की अपेक्षा थोड़ी बड़ी थी, मतलब 16 साल की थी वो उस वक्त, वो गायब हो गई। जब वो गायब हो गई तो उसके फादर थे नंदलाल, वो बहुत सीरियसली गए पुलिस के बाद और उन पास, और उन्होंने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी। जैसा कि पहले हुआ था, पुलिस ने इस बार भी कहा कि नहीं, आप परेशान मत होइए, रिपोर्ट आप बाद में लिखा लीजिएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है रिपोर्ट लिखाने की, बच्ची आपकी वापस आ जाएगी कुछ दिनों में। उन्होंने कहा नहीं, बाकी भी जो बच्चे गायब हुए थे वो नहीं आए और मेरी बच्ची भी ऐसे कहीं नहीं जाती है, तो आपको रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस फिर भी रिलक्टेंट थी, वो नहीं लिख रही थी। फिर कुछ बाहर ऊपर से प्रेशर वगैरह आया, जो भी हुआ, और उसके बाद फाइनली पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। जब रिपोर्ट लिखने की बात हुई तो उस वक्त पुलिस ने पहले बोला कि आपको क्या शक है, किसी पे आपको शक है कि किसी ने आपकी बेटी को गायब किया? उसने कहा ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी बेटी की किसी से दुश्मनी है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि मेरी बेटी लास्ट सेक्टर 31 में D5 जो घर है उसके पास देखी गई थी। तो पुलिस ने पता करने की कोशिश करी कि ये कौन रहता है इस घर में। तो जब पता किया तो पता चला कि वहाँ पे जो रहते हैं उसका नाम है, वो घर था मोहिंदर सिंह पंढेर का, जो कि एक वेल्दी बिजनेसमैन था और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी था। वैसे तो वो दिल्ली में रहता था और कभी कभी वो नोएडा भी आता था अपने इस घर में, निठारी के इस घर में। तो जब पता चला कि उसका है नाम मोहिंदर सिंह पंढेर का आया, तो लोगों ने, और चूँकि लोग उसके पुलिस वाले भी उसकी पार्टीज़ में आते थे, सब होता था, तो उन्होंने उसे बोलने की कोशिश करी कि ये क्या है। मोहिंदर सिंह पंढेर ने क्लियरली कहा कि नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा इस मिसिंग में कोई हाथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत आनाकानी होने लगी रिपोर्ट लिखने में, लेकिन जब प्रेशराइज किया गया तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। तभी एक ऑटो वाला भी आया, रिक्शे वाला, उसने बोला कि मैंने भी बताया था पुलिस को 5 महीने पहले, जब ये 5 महीने पहले नहीं, मई में ये बोला था कि ये जो पायल लड़की थी ये मेरे पास ही आई थी रिक्शे में और इस D5 घर के बाहर गई थी। D5 घर के बाहर जाकर उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ और आप बाहर वेट करिएगा और मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आऊँगी और फिर आपको पैसे दे दूँगी, आप चले जाइएगा और मैं भी वापस जाऊँगी। तो वो रिक्शे वाले ने बाहर वेट किया। जब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लड़की वापस नहीं आई, तो वो रिक्शे वाला अंदर गया। तो गेट पर एक आदमी ने उसको रोक लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा वो लड़की आई थी अभी, उसको मुझे पैसे देने हैं, तो उसको बोलिए मुझे पैसे दे दे, और उसको भी जाना था, अब वो नहीं जा रही तो मैं चला जाऊँ। तो उसने पहले तो कहा यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। तो बोला नहीं आई थी, 15 मिनट पहले आई थी।
बोला हाँ हाँ वो तो बहुत पहले चली गई वो लड़की। तो उसने कहा कैसे चली गई, मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो वो लड़की वापस आते हुए दिखी नहीं। तो उसने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो तो कब की चली गई। तो इस उसको रिक्शे वाले को आदमी थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा आदमी है, बहुत ही अजीब सा है और कैसे बातें कर रहा हो। घर भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। नॉर्मली आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ कि वो घर बहुत ही नॉर्मल लगता था, मगर उसको थोड़ा सा शक हुआ। तो वो भी पायल के फादर के पहले वहाँ पे गया था पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए कि ये घर है D5, ये थोड़ा सा अजीब है और यहाँ पे एक लड़की गायब हो गई। तो जब पुलिस को पता चला कि हाँ ये आदमी भी पहले आया था और अब जो लड़की गायब हुई रिक्शे वाला ही छोड़कर आया था वही लड़की पायल थी और अब इसके फादर भी आया है, तो पुलिस को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ा इस चीज़ में। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो घर के अंदर चलते हैं थोड़ा पता करते हैं। तो उसकी सर्च के लिए गए, घर के अंदर गए। जब घर के अंदर पुलिस पहुंची तो बाकी सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल नज़र आ रही थी, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल या अजीब सा नहीं था उस घर में। लेकिन जब पूरा सर्च कर रहे थे तभी जो एक पुलिस ऑफिसर थे उनकी नज़र जो थी वो पीछे घर के पीछे एक नाला बहा करता था उस पर गई। वो जो नाला था वो इनके घर का भी पीछे था और उसके उधर दूसरे भी घर वालों का वो पीछे ही था। तो बेसिकली वो पीछे वाली जो एरिया होती है जो यूजुअली गंदी होती है वो वहाँ पे वो नाला था, लोग कचरा वगैरह फेंका करते थे। उस पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि इस नाले में बहुत ज़्यादा पॉलीथिन्स है। तो इतने सारे पॉलीथिन्स क्यों हैं, नाले में बह रहे हैं सारे पॉलीथिन। तो उन्होंने रैंडमली एक पॉलीथिन को निकाला और उसको खोला। जब उसको खोला तो उनको दिखाई दिया कि एक बच्चे का घुटने से नीचे पैर है उस नाले में था, उस पॉलीथिन में था। तो वो लोग डर गए कि ये बात तो जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सीरियस हो गई। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से, ये बॉडी पार्ट कैसे दिख रहा है इसमें। फिर उन लोगों ने और लोगों को वहाँ पे सफाई कर्मी थे उनको बोला कि जरा ये पॉलीथिन्स लेकर आओ। तो कुछ और पॉलीथिन लोगों ने लाए तो एक एक करके पॉलीथिन खोलना शुरू किया। और हैरानी की बात ये थी कि हर पॉलीथिन में बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिले और बॉडी पार्ट्स भी बहुत अजीब मिले। या तो सिर्फ सर था, या कमर के नीचे का हिस्सा था, या घुटने से नीचे का हिस्सा था। जो बीच का पार्ट रहता है जैसे हम धड़ कहते हैं, दैट वॉज मिसिंग। तो ये लोगों को बहुत अजीब लगा। उनको पहले ये भी लगा कि शायद हम जो पॉलीथिन खोल रहे हैं उसमें वो नहीं हो, आगे मिलेगा या ख़राब हो गया या ऐसा कुछ। तो बोले इतना भी ख़राब नहीं, नहीं तो बॉडी पूरी तरीके से सड़ जाती, उतना भी नहीं मिलता जो मिला। हालांकि कुछ ज़रूर ख़राब हो गए थे। तो अब पुलिस को लगा ये बात तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, तो ये क्या है। कई तरह की थ्योरी आई, कई लोगों ने कहा कि ये ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का जो ट्रैफिकिंग का मामला है, कई लोगों ने कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, कई लोगों ने कहा मर्डर है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आई थ्योरी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, महेंद्र सिंह पंडेर को गिरफ्तार किया गया और उसका जो सर्वेंट था जिसने उसको आने से मना किया था उसका नाम था सुरेंद्र सिंह कोहली, उसको भी गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। जब पूरी पूछताछ की गई तो कहानी कुछ इस तरीके से सामने आई। महेंद्र सिंह पंडेर एक वेल्दी बिजनेसमैन था और वो अक्सर यहाँ निठारी में अपने इस घर में आया करता था। वहाँ पे जब ये आता था तो अकेले आता था और उसको आदत थी रात में वो कुछ लड़कियों को बुलाया करता था, उसके कुछ एजेंट्स हैं जिनसे वो लड़कियाँ बुलाया करता था। सुरेंद्र सिंह कोहली जो उसका केयर टेकर कम सर्वेंट एवरीबडी वॉज ऑल्सो देयर, वो उसी घर में रहता था जो बेसिकली नैनीताल के पास अल्मोड़ा जगह है वहाँ का रहने वाला था। अल्मोड़ा में उसकी फैमिली थी, वाइफ थी, उसके दो बच्चे थे। काम की तलाश में वो यहाँ आया था और यहाँ पे जो कि वो एक अच्छा कुक था तो उसको यहाँ पे जॉब मिल गई, वो यहीं रहने लगा। जब ये पंडेर के लिए लड़कियाँ आया करती थी तो कोहली जो है वो दरवाजे के ओट से देखा करता था अंदर क्या हो रहा है, और ये सिलसिला चलता रहता था। एक रात जो एजेंट था जिससे महेंद्र सिंह लड़कियाँ बुलाया करता था उसको वो लड़की कोई नहीं प्रोवाइड करी गई, तो उसने कोहली से बोला कि तुम किसी लड़की को प्रोवाइड कर दो मुझे। तो उसने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। उसने जैसे भी जहाँ से भी एक लड़की को बुलाया और मंडेर के साथ भेज दिया। उसको भी वो छुप कर देखता रहा जैसे कि उसकी आदत थी।
जब वो लड़की बाहर निकली तो कोहली ने उस लड़की से कहा कि जो भी तुमने पंडेर के साथ किया है मेरे साथ भी करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन लड़की ने उसको बहुत ही गंदे तरीके से ताना मारा, उसको इम्पोर्टेंट कहा और बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया। इस पर से सुरेंद्र सिंह कोहली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया। जब गला दबा दिया तो वो लड़की की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी के साथ पहले उसने अब्यूज़ किया, उसके बाद ये कन्फेशन में सुरेंद्र सिंह कोहली ने कहा है, इस वीडियो में देखिए। उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। मतलब जब डेड बॉडी को वो ले गया, बाथरूम में ले गया, वहाँ पे उसको काटा और उसके कुछ पार्ट्स को उसने बकायदा कुकर में बनाया, फिर उसको खाया और जो बाकी बचे हुए पार्ट थे उसके अलग अलग पॉलिथीन में भर कर बांध कर पीछे जो नाला था उसमें फेंक दिया। ये उसका पहला केस था, पहला मर्डर था। उसके बाद उसको चस्का लग गया, मज़ा आने लगा, आदत पड़ गई। फिर ये हमेशा थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े इंटरवल में, दोपहर में जाता, दिन के टाइम जबकि लोग इधर उधर रहते, काम पे चले जाते, तो कुछ बच्चे खेला करते थे कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी थी वहाँ खेला करते थे, तो उन बच्चों को टारगेट करता, उनको बच्चों को कभी टॉफ़ी देने के बहाने से, कभी कुछ और चीज़ देने के बहाने से, किसी पे लालच से उनको बुलाता और फिर उनको मारता, उनकी डेड बॉडी के साथ अब्यूज़ करता, फिर उनको काटता, पकाता, खाता और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को पीछे नाले में फेंक देता था। ये सिलसिला उसने 2005 मार्च से शुरू किया था, लेकिन रिपोर्टिंग इसकी जनवरी से शुरू हुई और फाइनल रिपोर्ट जब पुलिस ने कंसिडर करी वो ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद 2006 मई में हुई, जब पायल का केस आया। और जब ये कन्फेशन सुरेंद्र सिंह कोहली ने किया तो उस वक्त 3 पुलिस वाले अंदर थे जिनके सामने उसने ये कन्फेस किया। उसमें से एक पुलिस वाले को तो बाहर जाके वॉमिट हो गई। बाद में जब इन लोगों ने आगे की डिस्कवरी, उसके आगे की जो पूछताछ करी, तो उसके हाथ वो लोग बांध के रखते क्योंकि अब उन लोगों को उससे डर भी लगने लगा था। लोग उसको बहुत ध्यान से देखते कि भाई उसके दांत कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है। आदमखोर ऐसा होता है, मैन ईटर। ये चीज़ सामने किसी को देखना सुनना, जो कल तक हमें एक नॉर्मल, एक सर्वेंट, एक नॉर्मल आदमी लग रहा था, वो अचानक से हमें मैन ईटर दिख रहा है, तो पुलिस को भी बहुत अजीब लग रहा था। और ये एक एक रिपोर्ट न्यूज़ में आती जाती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस वक्त मैं खुद दिल्ली में थी, मैं विप्स में पढ़ाया करती थी, उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी और उस वक्त मैं क्रिमिनोलॉजी में साइको एनालिटिक अप्रोच ही पढ़ा रही थी। तभी ये केस आया तो मैंने भी इस केस को बहुत फॉलो किया था। वो एक ऐसा केस था जिसने सिर्फ मुझे नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था। अगर हम टाइमलाइन कहें इस केस की, तो इनिशियली जब ये बॉडी पार्ट्स मिलने लगे और इनको गिरफ्तार किया गया, सुरेंद्र सिंह कोहली को और महेंद्र सिंह पंडेर को, तो इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने जो भी कन्फेस किया, स्पेशली सुरेंद्र सिंह कोहली ने ही किया क्योंकि महेंद्र सिंह पंडेर कंटिन्यूसली अपने आप को इनोसेंट कहता रहा। लेकिन बात इतनी अजीब सी इसलिए है क्योंकि उसी के घर में एक आदमी ये चीज़ ओपनली कर रहा था दिन के टाइम में, और ना आसपास के लोगों को पता था और ना ही ओनर को पता था कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये कोई एक महीने या एक दिन की बात नहीं थी, ये साल भर तक, 1.5 साल तक ये चीज़ चलती रही एंड द ओनर वॉज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। तो ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दैट ही वॉज नॉट इन्वॉल्व और ही वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द किलिंग, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसके उसका जो सर्वेंट मतलब मैन ईटर है। तो वो बहुत अजीब सी चीज़ थी। तो जब ये चीज़ हुई, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनके नार्को एनालिसिस टेस्ट भी हुए, उसके बाद ये केस पुलिस ने सीबीआई को दे दिया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई, सीबीआई के बाद इनको लोअर कोर्ट ने, फिर सीबीआई ने फाइनली डेथ पेनल्टी दोनों को दी, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने भी उसको रखा कि हाँ ये डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मर्सी पिटिशन भी लगाई गई, लेकिन फिर बाद में इनको डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा गया।
सुरेंद्र सिंह कोहली को डेथ पेनल्टी बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह पंडेर को छोड़ दिया। ये चीज़ हुई 2006 से, ये चीज़ शुरू हुई और 2017 आ गया, तब तक ये चीज़ होती रही। जब 17 हुआ और ये डिसाइड हुआ कि इसको अब डेथ पेनल्टी मिलने वाली है सुरेंद्र सिंह कोहली को, और मेरठ के जेल में ले जाकर उसको फांसी होगी। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है, थोड़ी फिल्मी लगती है कि जब उसको ले जाया जा रहा था और फांसी का कुछ समय ही बचा था, तभी कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये पिटीशन लगाई कि अभी तक सिर्फ 5 केस का डिसीजन आया है सुरेंद्र सिंह कोहली के ऊपर, बाकी के बहुत सारे केस, लगभग 16 केस और चल रहे थे और भी बहुत केस थे। तो उनका 5 की ही सज़ा आई है, तो आप जब तक बाकी केस पूरे नहीं होते तब तक आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। और फिर उसकी वो सज़ा उस वक्त 17 में टल गई, 19 में भी उसकी ये चीज़ को बरकरार रखा गया। तो ये केस था निठारी कांड सुरेंद्र सिंह कोहली का, एक ऐसा केस जिसमें बहुत अजीब सी घटनाएं हुई, जो बहुत ही ब्रूटल था, इनह्यूमन था, मैन ईटर का केस था। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने पे बहुत मजबूर करती हैं। पहली चीज़ ये कि हम अपने बच्चों को यूं ही छोड़ के, क्या तुमने हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चा कहाँ गया? दूसरी चीज़ ये पुलिस का इग्नोरेंस, पेरेंट्स का तो आया फिर पुलिस का आया, कि पुलिस के पास इतने लोग गए रिपोर्ट लिखाने लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तीसरी चीज़ ये इग्नोरेंस अगेन, एक जिसका घर था महेंद्र सिंह बंडेर उसका, वो कैसे इतना इग्नोरेंट हो सकता है कि उसके घर में इतनी चीज़ें हुई उसे पता ही नहीं। चौथी इग्नोरेंस अगर आती है तो वो वहाँ के लोगों की भी आती है कि एक आदमी उसी घर में, उस कॉलोनी में खा रहा था, पका रहा था, काट रहा था, मार रहा था, अब्यूज़ कर रहा था और उन्हें बांध के नाले में फेंक रहा था, और दिन के समय ये होता था और किसी ने नहीं देखा। और लास्टली, कोई भी आदमी इस तरह की चीज़ें करता है और वो अगर ओपनली कन्फेस करता है इन सारी चीज़ को, तो बजाय उसे जानवर कहने के या इनह्यूमन कहने के, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एक लड़की ने मना किया था तो क्या आप सबको काट के खा लोगे? व्हाट इज़ दैट मैन? जो मेरी समझ है वो कहती है कि दैट ही वॉज साइकोपैथ, और वो है, क्योंकि उसने खुद कन्फेशन में, मैंने बहुत सारे उसके इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे लोगों के देखे जो जिन्होंने उसका कन्फेशन लिया था, बहुत पढ़ा कर सुरेंद्र सिंह कोहली के बारे में, फाइनली मुझे ये ऐसा लगता है कि दैट ही वॉज साइकोपैथ। उसने अपने बहुत सारे कन्फेशन में ये कहा है, उससे पूछा भी गया ड्यूरिंग ट्रायल ऑल्सो। पहले तो पहली चीज़ जो कहती है कि उसने ईजिली कन्फेस किया कि हाँ उसने ये सारे मर्डर्स किए और क्या क्या किया। दूसरी चीज़ जो है कि उसके पीछे और कोई मोटिव नहीं था, उसके किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तीसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द ट्रायल लोगों ने उसे पूछा कि अगर आज हम आपको छोड़ दें तो आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं और मारूंगा और उसके साथ ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बीमारी है जिसको हमें समझना चाहिए कि आदमी बीमार हो सकता है और उसके चलते वो इस तरह की हरकतें करता है, तो हमें उसकी तह तक जाना चाहिए उस बीमारी की। ऑल दो एक जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें कहा भी गया था दैट ही वॉज अ साइकोपैथ, लेकिन लेटर ऑन ये बात ख़त्म हो गई, फिर इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं हुआ इतना ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो साइकोपैथ था, और अगर टाइमली देखा जाता है तो कई बार साइकोपैथ्स का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो क्या था, वो कैसा है वो आदमी, उसने ऐसा क्यों किया होगा? और क्या आप भी कुछ ऐसे केसेस को जानते हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे और केसेस मैं डिस्कस करूं और अपने आगे के वीडियोस में दिखाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी कहानी सुरेंद्र सिंह कोहली की, निठारी कांड की, एक बहुत ही दिल दहलाने वाला, हिला देने वाला केस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you soon. Take care. Bye.